Hello everyone, I am Sagar Bhanushali and in this video lecture, we are going to study about the transport system in humans. Okay, the transport system basically blood circulatory system. Okay, so last lecture हमने क्या पढ़ा कि जैसे कि हम air inhale करते हैं, oxygen rich air inhale करते हैं जब हम, तो क्या होता है वो alveoli में diffusion से ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफर हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोला में ट्रांसफर होता है. ओके, तो ये ब्लड ही है जो हमारे टिश्यूज के लिए ऑक्सीजन लंग्स से लेकर आता है और लंग टिश्यूज के पास से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर लंग्स के पास जाता है और एक्सचेंज कर देता है. ओके, तो ब्लड में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है. बेसिकली अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ईजिली डिजोल्व नहीं होता है वाटर वगैरह में और कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ वेरी ईजिली डिजोल्व. बट ये दोनों भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है टिश्यूज से लेकर लंग्स तक और लंग्स से लेकर वापस से टिश्यूज तक. एंड हाउ दिस इज पॉसिबल? ब्लड में दो टाइप के कॉम्पोनेंट्स हैं. जैसे कि ब्लड को अगर मैं सेपरेट आउट करूँ अलग अलग चीज़ों में, तो सिंपल तरीके में मैं दो चीज़ों में उसको सेपरेट कर सकता हूँ. एक तो RBCs जैसे कि रेड ब्लड सेल्स एंड दूसरा प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल्स तो हमको पता ही है सर्कुलर होते हैं और अगर मैं उसको थोड़ा ये शेप में देखूं तो वो डंबल शेप्ड होते हैं, कॉनकेव इन स्ट्रक्चर. प्लाज्मा अभी ये तो रेड कलर के होते हैं जैसे कि नाम से ही पता चलता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स. अब प्लाज्मा कलरलेस होता है. और अगर मैं ब्लड में से RBCs निकाल दूं तो जो भी बचता है सब कुछ प्लाज्मा है. प्लाज्मा में फूड कंपोनेंट्स भी होंगे, न्यूट्रिशंस भी होंगे और उसके बाद वाटर होगा और डिफरेंट एंटीबॉडीज वगैरह सब प्लाज्मा में ही मिलेंगे. ओके, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा नहीं. जैसे कि प्लाज्मा में ही वाटर है तो उसमें तो वो डिजॉल्व होगा नहीं, तो मुझे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना है. तो मेरे बॉडी ने एक स्पेशल प्रोटीन को हायर किया है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. वो प्रोटीन का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसकी वजह से RBCs को रेड कलर मिलता है और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़कर लेके जाता है हर एक टिश्यूज के पास. थ्रू आउट द ब्लड वो ऑक्सीजन को लेके घूमता रहता है. ओके, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ डिजोल्व होता है? प्लाज्मा में डिजोल्व होता है. मतलब RBCs ऑक्सीजन को लेकर चलते हैं और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर चलता है. ओके, तो अब मुझे इतना तो समझ गया है कि मेरे बॉडी में अगर कहीं दूर एक टिश्यू है तो अगर मुझे उसको ब्लड वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो मुझे कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जो ब्लड का फ्लो फास्ट कर सके. बिकॉज डिफ्यूजन तो कोई सिंपल तरीका है नहीं. जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ब्रेन को ब्लड चाहिए कंटिन्यूसली, तो ब्लड कहीं और फॉर्म हो रहा है और ब्रेन मेरा कहीं दूर है, तो इतने डिस्टेंस पे डिफ्यूजन से काफ़ी टाइम लग जाएगा. तब तक तो सारे लिविंग बींग्स डेड में कन्वर्ट हो जाएंगे. ओके, तो अब मुझे कुछ तो ऐसा चाहिए जो ब्लड को बहुत फास्ट पंप करे, बहुत फास्ट उसको फ्लो इंक्रीज करते उसका. अब मैकेनिकली देखने जाए तो हम बिल्डिंग्स और टावर्स वगैरह में क्या करते हैं पानी को चढ़ाने के लिए, वी यूज मोटर्स. ये मोटर्स क्या करते हैं, बेस में वाटर टैंक होता है, उधर हम मोटर फिक्स करते हैं और क्या करते हैं ये मोटर से हम उसको ऊपर चढ़ा देते हैं. जैसे कि टॉप फ्लोर पे टैंक होता है हम उसमें वाटर चढ़ा देते हैं. तो ये मोटर क्या करता है, जो बेस में जो वाटर है उसको पंप करके ऊपर प्रेशर में डालता है. तो बेसिकली हमारे बॉडी में भी एक ऐसा ही मोटर टाइप का ऑर्गन है जो कि मोटर नहीं है बट एक मस्क्यूलर ऑर्गन है. ओके, अब ये अगर मैं इसको हार्ट बोलूंगा, ये सिंपल स्ट्रक्चर हार्ट का, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये क्या है फिर? ये तो आजकल के 14 साल के निबा और निबी के एज का हार्ट है, उनके हिसाब से ये हार्ट परफेक्ट है और ये नहीं. तो हम साइंस को सपोर्ट करेंगे तो मैं पर्टिकुलरली यही हार्ट को सपोर्ट करूंगा. तो अब पॉइंट क्या है कि ये मेरे हार्ट का जनरल स्ट्रक्चर है और हार्ट ने खुद को 4 चेंबर्स में डिवाइड कर लिया.
अब जो ऊपर की दो छोटे चैम्बर्स हैं उनका नाम है एट्रिया, एट्रियम मैं बोलूंगा, और जो नीचे के दो है उनका नाम वेंट्रिकल्स। नीचे के दो चैम्बर्स बड़े बड़े हैं, ओके। तो एक इजी वे में मैं बताता हूँ कि ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तब मुझे इतना तो पता है कि ब्लड मुझे अब तीन रीजन्स हैं मेरे बॉडी में, एक तो टिश्यूज, फिर बीच में हार्ट, फिर इधर लंग्स, ओके। अब मेरे टिश्यूज क्या करते हैं, जब मैं ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करता हूँ तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो कार्बन ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं। तो अब ये टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट के पास लेकर आते हैं, और हार्ट क्या करता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लंग्स के पास पंप कर देते हैं, ओके। तो क्या करते हैं लंग्स, क्या करते हैं फिर, डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और सामने ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो एक्सचेंज कर देते हैं, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स में होता है। अब यही लंग्स, अब ये कौन सा रिच था, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड था, ये भी ब्लड जो हार्ट ने लंग्स को दिया वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिच था, बट अब लंग्स ने क्या दिया वापस से हार्ट को, ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुए हैं। अब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, हार्ट क्या करेगा, हार्ट खुद तो यूज करेगा नहीं, हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा किसके पास, टिश्यूज के पास। तो हार्ट ने कौन सा ब्लड पंप किया है टिश्यूज के पास, O2 रिच। तो अब ये एक टाइप का सर्कुलेशन हो गया जहाँ टिश्यूज से वापस हार्ट पे आ रहा है, ये फर्स्ट सर्कुलेशन है, फर्स्ट सर्कुलेशन हो गया। अब वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाला लंग्स के पास से वापस हार्ट पे आ रहा, तो ये सेकेंड सर्कुलेशन हो गया। तो देखने जाएंगे तो ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के सर्कुलेशन हो जाते हैं, एक हार्ट टू टिश्यूज और एक हार्ट टू लंग्स। तो ये दो टाइप के सर्कुलेशन हो गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, दोनों एक टाइम पे होते ना। तो एकदम सिंपल तरीके से देखते हैं कि हार्ट ने खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ये दोनों और ये दोनों। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये क्या है, राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कौन सा वाला ऑक्सीजन साइड वाला है और कौन सा वाला कार्बन डाइऑक्साइड साइड वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन यही हो गया। तो इसको एकदम स्टोरी वाइज में हम सॉल्व करते हैं कि सपोज कि दो गैम्बलर्स हैं, गैम्बलर वन एंड गैम्बलर टू, ओके, और इन दोनों में आरडीएक्स की डील हुई है, ओके। आरडीएक्स तो हमको पता ही है। तो सपोज फर्स्ट गैम्बलर आरडीएक्स लेकर आया है, आरडीएक्स लेकर आया और आरडीएक्स इसको प्रोवाइड करने वाला है। तो अब लेके आया है, तो जी1 को जी2 को आरडीएक्स देना हो तो क्या बोलेगा, लो आरडीएक्स, लो आरडीएक्स। तो ये ना एक सिंपल फ्रेज हो गया, मतलब मुझे ये बाय आउट करने के लिए। तो एल का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, ओ का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, आर का मतलब क्या है, राइट, डी का मतलब क्या है, डी ऑक्सीजनेटेड तो है नहीं, दूसरा वाला कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच, राइट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब राइट वाला जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आने वाला है और लेफ्ट वाला है उसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड आने वाला है, ओके। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सीजन वाला ब्लड आ कहाँ से रहा है, लंग्स से। तो मतलब यहां पर जो भी ब्लड आएगा वो लंग्स से आएगा, राइट लेफ्ट वाले में जो भी ब्लड आएगा वो लंग्स से आएगा, और इसमें से इसमें ऑक्सीजन था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, हार्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, टिश्यूज से, टिश्यूज से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स से अगर कुछ भी आ रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो कैपिलरी को क्या बोलेंगे हम, वो जो ट्यूब होता है हम उसको क्या बोलेंगे, वेन्स। अब कहाँ से आ रहा है, लंग्स से, तो लंग्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी।
पल्मोनरी वेन्स, तो इधर का तो मुझे रास्ता पता चल गया कि पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आता है, ओके। अब इधर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? टिश्यूज से। अब टिश्यूज हमारे बॉडी को मैं सिंपली दो पार्ट में डिवाइड करूँगा, एक अपर बॉडी वेस्ट तक और एक लोअर बॉडी। तो अपर बॉडी का ट्यूब अलग होगा और लोअर बॉडी का ट्यूब अलग होगा। अपर बॉडी को मैं क्या बोलूंगा? अपर वेना कावा। अपर वेना कावा मतलब ये क्या है, ऊपर से आ रहा है, अपर बॉडी से आ रहा है, तो ये अपर वेना कावा। और जो नीचे वाला है उसको मैं क्या बोलूंगा? लोअर वेना कावा। ओके, तो अब मुझे इतना तो पता चल गया कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और यहां पर ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ओके। तो पॉइंट क्या होगा कि यहां से ब्लड आना शुरू हो गया है, इसमें ब्लड भर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड इसमें भर रहा है, बीच में तो है प्रॉपर सेपरेशन, इसमें भर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और इसमें भर रहा है ऑक्सीजन वाला ब्लड। बट अब मैंने तो यहाँ पे कुछ बाउंड्री बनाई नहीं है, तो यहाँ पे ब्लड आएगा वो डायरेक्टली इसमें गिर जाएगा, बट सच में वैसा होता नहीं है। ये तो एक चैम्बर है, तो यहाँ पर एक पैकिंग होगा, बट यहाँ पर पैकिंग एकदम अलग तरीके से होती है, बैलेंस होते हैं। हम सब पिनबॉल खेलते थे ना, पिनबॉल में कैसा होता था कि एंड में कुछ ऐसा होता था और हमें बॉल को उधर उसमें नीचे गिरने नहीं देना, बस उसको बॉल से उसको हिट करते रहना, बॉल को ऊपर ही रखना। यहाँ पर भी सेम एम है, बट यहाँ पर ये बॉल को नहीं रोकते, यहाँ पे ब्लड को रोकते हैं, ओके। तो ये जो वाल्व्स होते हैं वो वाल्व्स यहाँ पर भी होते हैं, फ्लैप्स जैसे होते हैं जिनका कनेक्शन मसल्स होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ टेंडेंस होता है। तो पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर ब्लड भरने लगा, यहाँ पर ब्लड भरने लगा है, यहाँ पर भी ब्लड भरने लगा है। तो फ्लूइड भर रहा है और ये पैक है, तो क्या होगा? एनी हाउ यहाँ पर प्रेशर बनने वाला है, यहाँ पर प्रेशर बनेगा, तो क्या होगा? ये प्रेशर जब फोर्स करेगा ना, तो ये वाल्व्स खुल जाएंगे, ये वाल्व्स है ना खुल जाएंगे दोनों भी। तो क्या होगा, यहाँ का जो भी ब्लड है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो अब ये पार्ट तो सॉल्व हो गया कि यहाँ पर कहाँ से ब्लड आ रहा है, बट अब यहाँ पर तो मैंने कुछ पाइप वगैरह बनाए नहीं है, तो ब्लड जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर, यहीं पर तो हमें रखना नहीं है। तो इसमें क्या है, यहाँ से कौन सा ब्लड आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला। यहाँ से कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजन वाला। और ये तो बराबर दोनों का सेपरेशन किया हुआ है, पार्टीशन है दोनों, तो ये तो बराबर एकदम सेपरेशन है, ओके। तो अब पॉइंट क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट कहाँ पे भेजने वाला है? टिश्यूज के पास। कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहाँ पर भेजने वाला है? हार्ट, लंग्स के पास, ओके। तो यहाँ से ये पार्ट है, यहाँ से ट्यूब वापस जाएगा, बाहर निकलेगा। सिमिलरली यहां से भी ट्यूब बाहर निकलेगा। तो यहां से जो ब्लड निकलेगा वो जाएगा कहां पर? लंग्स, टिश्यूज के पास, उसको हम बोलेंगे आर्टा। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कहां जाएगा? लंग्स में। मतलब यहां पर ब्लड आया था टिश्यूज से, ये जाएगा लंग्स में। यहां पर ब्लड आया था लंग्स से, ये जाएगा टिश्यूज में, ओके। तो ये चीज तो हमें समझ गई। बीच में ये जो पार्टीशन है, हम उसको क्या बोलेंगे? सेप्टम। अब एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी जो बॉलीवुड ने क्रिएट करके रखा है हमारी लाइफ में, कि एक हार्ट का साउंड होता है वो क्या होता है? धक धक। क्या होता है हार्ट का साउंड? धक धक, ओके। ये स्टोरी फिर कहां पहुंच गई? ये वाले हार्ट के पास। बट अब हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? कुछ ऐसा। और ये हार्ट का स्ट्रक्चर जो जनरली हमारे फिस्ट के बराबर होता है, ये मुट्ठी के बराबर, फिस्ट इतना हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। अगर खुद को खुद के हार्ट का स्ट्रक्चर देखना हो कि साइज कितना है, तो हम फिस्ट में देख सकते हैं, मतलब मेरा हार्ट तो इतना ही होगा। तो जब हार्ट ही चेंज हो गया है तो साउंड भी थोड़ी सेम होने वाला है,
साउंड क्या है, फर्स्ट जो धक के जगह पर लब है, लब, और सेकेंड धक के जगह पर है डब. ओके, तो साउंड धक 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 नहीं है, साउंड लबडब 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 है. ओके, तो अब ये चीज तो हमको समझ गया. अब रहा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर. तो एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब वेंट्रिकल्स पे कॉन्ट्रिक्शन आ रहा था और ब्लड ऊपर प्रेशर में जा रहा था, तभी क्या होता है कि जो ब्लड है वो फुल फोर्स में जाता है. तो जब वो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल, सिस्टोल. ओके, जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रिक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, ब्लड बाहर तरफ पुश होगा. तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल, सिस्टोल. ओके, और इसका प्रेशर कितना है, 120 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी. ओके, अब ये तो समझ गया कि अब जब ये प्रेशर बाहर कर देगा तो वापस से ये भरने वाला है. तब तक ये क्या करेगा, आराम करेगा, एकदम रेस्ट फेस पे होगा. तो ये क्या होगा, रिलैक्स करेगा एकदम. तो पहले वेंट्रिकल ने मेहनत की तो हमने उसको क्या बोला, सिस्टोल, तो उसका रिजल्ट भी ज़्यादा आया. अब वेंट्रिकल ने रिलैक्स किया तो हम उसको क्या बोलेंगे, डाइस्टोल, डाइसिस्टोल. और उसका प्रेशर क्या है, अब कॉन्ट्रैक्शन था, मेहनत किया तो प्रेशर, बट ऑब्वियस है प्रेशर में था तो रिजल्ट अच्छा आया. अब रिलैक्स किया है तो मार्क्स कम आने वाले हैं. एमएम ऑफ एचजी. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने ये तो पढ़ लिया कि ये 120 आया है, ये 80 आया है, बट ये नोटिस किया किसी ने कि हम ये चेक कैसे करते हैं, ये नोटिस किया किसी ने, नहीं. हम कभी भी हॉस्पिटल में जाते तो हम देखते हैं कि वो हाथ में बेल्ट बांधते हैं और फिर वो फुसफुस करके वो प्रेशर से भरते रहते, उसमें एयर फिलअप करते हैं. ओके, तो वो अपैरेटस होता है, एक मशीन है जो ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए. तो उसका नाम क्या है, स्पिग्मोमैनोमीटर. ओके, तो ये तो स्पिग्मो. ओके, तो ये चीज तो हमको समझ गई. ओके, तो ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर था जो कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस था. सो इफ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर ऑन दिस, प्लीज डू लाइक सब्सक्रिप्शन. थैंक यू.